स्टूडेंट्स टूडे वी विल स्टार्ट विदर्कशीट फाइव एंड यस्टरडे वी हैबलरी वर्कशीट ठीक है जो हमने कल वो कैबलरी की थी उसी वोकेबलरी पे बेस्ड है ये वर्कशीट एक बार आप वोकेबलरी को देख लीजिए ठीक है एक बार हम दोबारा से गो थ्रू हो जाते हैं सो so डैट आपको ये वर्कशीट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए वट आर लाइक फ्रैक्शन फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में नंबर सेम हो उसको कहेंगे लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो ओके okay? ये सभी के सभी क्या है अनलाइक फ्रैक्शन हैं क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं ओके प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा न्यूमरेटर उसको कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन इन प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इन प्रॉपर फ्रैक्शन जिन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर ग्रेटर होंगे डिनोमिनेटर से उसको कहेंगे इन प्रॉपर फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन फ्रैक्शन हैविंग वन इन द न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर में वन हो उसको हम क्या बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन क्योंकि यूनिट का मतलब होता है इकट्ठा एक यूनिट यूनिटी ओके नाउ सी द नेक्स्ट वन दैट इज मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड नंबर ठीक है इसमें दो टाइप के नंबर यूज किए जा रहे हैं एक तो नेचुरल नंबर हो गया डेट इज टू और ये एक फ्रैक्शन हो गई कौन सी फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन यानी न्यूमिनेटर कैसा होगा छोटा होगा डिनोमिनेटर से थ्री बाय फोर इसको हम ऐसे बोलेंगे टू थ्री बाय फोर ओके सो नाउ लेट स्टार्ट विद वर्कशीट फाइव एंड दिस वर्कशीट शुड बी डन इन द बुक ये वर्कशीट आपने बेटे बुक में ही करनी है क्वेश्चन नंबर वन देखिए एंड पेज नंबर एट्टी एट ओपन कीजिए एंड टेक आउट द पेंसिल एंड इरेजर आल्सो you have to use pencil in the book first take the set of like fractions abhi abhi humne padha like fractions kya hote hain jinke jinka jo denominator ho wo same same ho usko hum kahenge like fraction to तो aapne like fraction ko tick karna hai इन questions में बेटे आपको जहां पर भी denominator same दिखे तो वहां आप टेक करेंगे otherwise आपने cross लगाना है okay? ए पार्ट को देखिए फाइव बाय सिक्स थ्री बाय फाइव सिक्स बाय नाइन डिनोमिनेटर चेक करने हैं ओनली ठीक है सिक्स फाइव नाइन ये तो सेम है ही नहीं सारे डिफरेंट है तो क्रॉस लगाइए ओके बी पार्ट देखिए वन बाय सेवन फाइव बाय सेवन नाइन बाय सेवन 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 आ रहा है डिनोमिनेटर में ठीक है तीनों फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये लाइक like फ्रैक्शन है टिक करेंगे ओके सी पार्ट थ्री बाय फाइव सेवन बाय नाइन थ्री बाय टू इसके डिनोमिनेटर भी क्या है डिफरेंट है यहां फाइव है इधर नाइन है और यहां पे टू है तो ये क्रॉस लगा दीजिए ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है ओके क्वेश्चन नंबर टू एन सर्कल ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन अभी अभी हमने प्रॉपर फ्रैक्शन भी पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से ओके तो यहां पे आपको कौन कौन से दिख रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन फोर बाय थ्री तो नहीं है ठीक है एट 11 है क्योंकि एट छोटा है इलेवन से तो ये होगा प्रॉपर फ्रैक्शन सेवन बाई सिक्स नहीं है सेवन बाई एट है फ्रैक्शन है ओके क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से ट्वेंटी फाइव बाय टेन ये भी नहीं है ट्वेल्व बाय फिफ्टीन है दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन सिक्स बाय फाइव भी नहीं है ओके एट बाय इलेवन सेवन बाय एट नाइन बाय टेन एंड ट्वेल्व बाय फिफ्टीन दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शन दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन ओके नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन एंड सर्कल ऑल इन प्रॉपर फ्रैक्शन इन प्रॉपर फ्रैक्शन को सर्कल करना है अभी हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को किया यहां पे हम इन प्रॉपर फ्रैक्शन को करेंगे यानी जहां पर भी न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से तो इलेवन बाय सेवन ये तो है इन प्रॉपर फ्रैक्शन ट्वेंटी बाय थर्टी ये नहीं है थर्टी फाइव बाय ट्वेंटी फाइव है ठीक है न्यूमरेटर बड़ा है फिफ्टीन बाय एटीन ये भी नहीं है एटी वन बाय सेवेंटी टू ये है इन प्रॉपर फ्रैक्शन नाइन्टी थ्री बाय नाइन्टी फाइव नहीं है फिफ्टीन बाय ट्वेल्व ये है इन प्रॉपर फ्रैक्शन फोर्टी नाइन बाय फिफ्टी वन नहीं है वन बाय इलेवन ये भी नहीं है ठीक है तो इलेवन बाय सेवन थर्टी फाइव बाय ट्वेंटी फाइव एटी वन बाय सेवनटी टू फिफ्टीन बाय ट्वेल्व सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द इन प्रॉपर फ्रैक्शन ओके